हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राहुल, आर एक्सोटिक्स से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे अपने नए यूट्यूब चैनल एनिमल जगत में। यह हम डिटेल्स में सब एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स, फिशेस, रेप्टाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एकदम फ्रेश वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कैनरीज के बारे में। कैनरीज जिसको हम सिंगिंग बर्ड्स भी कहते हैं, उनके बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो आप एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमें आगे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। तो ये छोटा सा बर्ड जो है, ये करीब 4 इंच का एक बर्ड होता है, सिंगिंग बर्ड होता है। इसको हम सिंगिंग के लिए ही पालते हैं ज़्यादातर। पहले तो इसको सिंगिंग के लिए ही पाला जाता था क्योंकि इसकी बहुत ही मेलोडियस आवाज़ होती है और जो मेल होता है वो लगातार बहुत अच्छा बोलता है। तो वर्ल्ड का बेस्ट सिंगिंग बर्ड है जिसको लोग सिंगिंग के लिए पसंद करते हैं। इसको बेसिकली स्पेनिश जो सेलर्स होते थे शिप्स में, वो जाके इनका एक आइलैंड है कैनरी आइलैंड, वहाँ से लाए थे। तो उसके बाद इनकी ब्रीडिंग वगैरह हुआ है। तो यूरोप में काफ़ी फेमस है, अब इंडिया में भी होना शुरू हो गया। इसमें बहुत सारे इसके वैरायटीज आते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं येलो मोजैक है। इसका जो है, जैसे मेल है जो जो ब्राइट कलर का येलो है वो मेल है, और जो नीचे जो बैठा है इस वक्त वो फीमेल है, जो ऊपर है वो मेल है, जिसके येलो कलर के पैचेस बने हुए हैं। तो ये येलो मोजैक है, तो काफ़ी वाइब्रेंट कलर है और सनलाइट में बहुत अच्छा लगता है देखने में ना। ये वाइट के ऊपर थोड़ा थोड़ा येलो कलर काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हाथ से स्केच बनाया हो, मार्किंग किया हो। तो अब इसके जो ये सेटअप है इसके बारे में देखते हैं। ये सेटअप जो है आपका 2 फिट का एक केज होता है वो है, और इसमें अभी मैंने ब्रीडिंग के लिए रखा है। तो एक मेल और एक फीमेल है। मेल की पहचान होती है, मेल थोड़ा वाइब्रेंट होता है, जो कलरफुल होता है जो ऊपर है, और ये सिंगिंग बहुत अच्छी करता है। और फीमेल जो होती है वो थोड़ी डल सी होती है, जो नीचे है थोड़ी मोटी भी होती है। तो ये सेटअप है, ये 2 फुट का एक केज है। इसमें जितना हो सके आपको परचेज लगानी चाहिए क्योंकि ये हॉप करते रहते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जंप करते हैं, उड़ते कम है और जंप ज़्यादा करते हैं। फिंचिस की सारी वैरायटी ऐसी करती है। तो इसमें एक बड़ा सा बर्तन लगाया है सीड्स का, इसमें सीड्स का जो मिक्सचर होगा उसका मैं फोटो डाल दूंगा। एक कटल बोन डाला हुआ है, एक पानी है, और ये है नेस्ट बॉक्स लगाया है। नेस्ट बॉक्स इसका होता है एक बास्केट टाइप का होता है, नेस्ट बॉक्स नहीं होता, सॉरी बास्केट होता है। और बास्केट में हमने कोकोनट का फाइबर डाला होता है जिसको हम नेस्टिंग मटेरियल कहते हैं। ये अपने आप उससे नेस्ट बिल्ड कर लेते हैं। और इस साल या जो जनवरी ख़त्म होने को आ गया, अभी तक इन्होंने ब्रीड नहीं किया है, लेकिन मेरे पास ये पेड़ 3 साल से है। तो मेरे पास नवंबर दिसंबर में ब्रीड करना शुरू कर जाता है। इस साल पता नहीं क्यों लेट हो रहा है, और जहाँ तक यहाँ के नॉर्थ के वेदर का वो है तो इस साल किसी के पास भी ब्रीडिंग शुरू नहीं हुआ है। तो कुछ वेदर का इशू है। तो अभी तो मैंने इसके नेस्टिंग खुद करके डाला हुआ है ऊपर, लेकिन इनका मूड के ऊपर है, रोज कभी नेस्ट नीचे गिरा देते हैं अपने नेस्टिंग मटेरियल, तो मैं उसको वापस सही करके रख देता हूँ। तो ब्रीडिंग मोड में तो आ रहे हैं, पर अभी इन्होंने सिंगिंग इतना शुरू नहीं किया है। और जब ये सिंगिंग करेंगे, जब मेल का प्रॉपर सिंगिंग होगा, तो उसका भी एक मैं वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूंगा क्योंकि बहुत अच्छा लगता है इसकी सिंगिंग की आवाज़। अभी थोड़ा बहुत कर रहे हैं पर कंटिन्यूसली सिंगिंग नहीं हो रहा है इनका। तो अभी शुरू करेंगे तो ये 5-6 महीने गर्मियों तक, जब तक बरसात नहीं हो जाती तब तक ये इनका ब्रीडिंग सीजन रहता है। पर हम जो होता है हमारा मोस्टली हम अप्रैल में बंद कर देते हैं, जब मई जून में ज़्यादा गर्मी होती है तो हम ब्रीडिंग वगैरह इनकी रोक देते हैं क्योंकि उसके बाद बच्चे भी कम होते हैं और उसका रेशो भी जो होता है मरने का ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इनको हम उतना ही करते हैं ब्रीड, ताकि आगे इनको नुकसान ना हो, क्योंकि तो छोटा सा डेलिकेट बर्ड है। और वैसे तो ये हार्डी है, लोगों को लगता है ये कुछ डेलिकेट है, मर जाएगा, लोग पालते नहीं है डर से, पर ये काफ़ी हार्डी होता है। इवन गोल्डियन फिंच वगैरह से तो काफ़ी हार्डी है और इतनी जल्दी नहीं मरता जब तक ये बीमार ना हो कुछ हो, और अच्छे से पलटा है। मेरे पास ये पिछले साल ब्रीड हुए थे, तो एक पेयर से पिछले साल का बताता हूँ मैं। दो एक पेयर था मेरे पास 2 साल पहले, तो ब्रीड हुआ था तो मैंने उससे 3 पेयर किए थे। तो पिछले साल मेरे पास 3 पेयर थे, तो 3 पेयर से मेरे पास करीब 25-30 बच्चे हो गए थे, वो मैंने काफ़ी सारे सारे सेल आउट कर दिए थे। तो अभी मेरे पास 3 पेयर हैं, नीचे और भी हैं इसी केज के नीचे नीचे लगे हुए हैं, वो मैं आपको आगे कभी पूरा सेटअप दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा। और इसको हमें
जो मल्टी विटामिन और कैल्शियम होता है कुछ भी नहीं देता हूँ इसको, पेरेंट्स वगैरह को देता हूँ, पर ये सेटअप मेरा जो है अलग जगह पे है, घर पे है, वो सेटअप जो है मेरा फार्म पे है दूसरे वाला, तो इसको तो मैं कुछ भी नहीं देता हूँ। तो पानी जस्ट सादा पानी होता है, थोड़ा सा कभी स्प्राउट्स वगैरह डाल दे दिया, और ये फ्रूट्स में एप्पल्स कैरेट्स बहुत अच्छे शौक से खाते हैं, ये फिंचिस नहीं खाती हैं पर कैनरीज बहुत अच्छे से खाती हैं। इसमें सीड्स में भी जो होता है ये बड़ा बीज खाती हैं, जैसे पैरट खाता है, जैसे सनफ्लावर को तोड़ के खा लेती हैं, हेम्प सीड को खा लेती हैं ये, और मोटी वाली कंगनी खाती हैं, तो खाने में ये बिल्कुल भी चूजी और पीकी नहीं होती हैं, जो दो इनको सब खा लेते हैं अच्छे से, और एक्सरसाइज अच्छी इनकी, दो इनको 2 फुट का कम से कम केज दो, 2.5 फिट का भी दे सकते हो, 2 फुट का भी दे सकते हो, पर उससे छोटे जो 1.5 फिट के और 1.25 फिट के होते हैं उस केजेस में नहीं ब्रीड कराना चाहिए, जिसमें हम जेबरा वगैरह को ब्रीड कराते हैं, इसको थोड़ा सा 2 फिट तो एटलीस्ट केज चाहिए, और जो इतना इसका नेस्ट होगा, जो इसका बास्केट लगती है उसके आसपास ही पर्च लगाओ, ताकि ये मेल जो होता है फीमेल को फीड करता है तो उसको आसानी होती है, वो नेस्ट में उसको खराब करे बिना, नेस्ट को खराब करे बिना वो बार बार से उसको फीड करा देता है, तो जब फीमेल एग पे होती है या बच्चों के ऊपर होती है तो मेल आता है और उसको फीड कर देता है। और बाकी इसका पानी जो है डेली फ्रेश बदलो, और ये क्योंकि इनको नहाना काफ़ी पसंद होता है, तो रेगुलर ये नहाते हैं और पानी गंदा करते रहते हैं, इतना भी गंदा नहीं करते हैं पानी अगर बड़ा पिंजरा होता है तो, पर इनका पानी डेली वाटर चेंज होना चाहिए, फ्रेश पानी डालो। बाकी इसका जो ब्रीडिंग होगा आगे तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा इसकी ब्रीडिंग वगैरह का, जैसे कैसे अंडे देते हैं, पर हाँ इनके एग्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, नॉर्मल एग्स जो होते हैं फिंचेस वगैरह के वाइट कलर के होते हैं, इनके ग्रीन ग्रीनिश टाइप के होते हैं एग, और छोटे छोटे एग होते हैं, बेसिकली 4 से 6 एग दे देती हैं, और इनका रेशो जो होता है 3-4 बच्चे रेस कर ही देते हैं ये, और अच्छे से रेस कर देते हैं, कोई फॉस्टरिंग कराने की जरूरत नहीं होती, खुद ही पाल लेते हैं ये बच्चों को, और पाल के बड़ा भी अच्छे से कर देते हैं। बाकी इसमें अलग अलग पैटर्न्स में अलग अलग कैनरीज आती हैं, इसमें काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में येलो मोजैक है, एक येलो फैक्टर आता है, ऐसे ही एक रेड मोजैक होता है, रेड फैक्टर होता है, ग्लॉस्टर्स होता है, लीजर्ड्स में आते हैं, ग्रीन कैनरीज होती हैं, और सबकी अच्छी आवाज़ होती है, जो मेल्स होते हैं सब सिंग करते हैं, और इसके प्राइजेस वगैरह भी इसी पे फैक्टर्स पे इनके उस पर डिपेंड करते हैं, जैसे क्रेस्टिड हो गया, ग्लॉसर्स हो गया, थोड़े महंगे होते हैं, और जो भी आप कैंडीज लेके चलोगे उसका आप एक्सपेक्ट करके चलो कि 10K+ ही इसका प्राइस होता है, उससे नीचे नहीं होता है पेयर का। और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमारी प्रोफाइल को एक बार चेक करें, आप निराश नहीं होंगे, आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा, और फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट डालते रहते हैं कुछ ना कुछ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कोई पुरानी फोटो वीडियोज़ भी इनकी डाली होंगी जिसमें बच्चे रेस कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइड पे एक नोटिफिकेशन का बेल होगा उसको प्रेस करें, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका आपको मैसेज और नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाए, तब उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।